नमस्कार एवरीवन, आइए बिना हुक पट्टी वाले ब्लाउज के आपको स्टिचिंग बताएं। पार्ट दोनों आगे वाले हैं और लाइनिंग सहित हमने इनको ऐसे कटिंग कर लिया है। और ये देखिए, ऐसे इनको बिल्कुल बराबर कर लिया। और ये मैंने यहाँ से इनको हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है और इसको भी मैंने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। ये पार्ट मैंने कल आपको कटिंग में बता दिए थे, फिर भी चलिए एक बार और मैंने आपको बता दे रही हूँ स्टिचिंग करने से पहले, ताकि आपको सारे पार्ट्स ध्यान में रहे। इससे जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिना हुक पट्टी वाला और आप डिजाइनर ब्लाउज हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे दोनों आगे की पार्ट्स हैं। और ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है और इसी के बराबर मैंने ये नीचे वाले पार्ट्स कटिंग किए हैं। और इसमें भी मैंने देखिए ये यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये जो पट्टी है नीचे वाली जो मैंने राउंड कटिंग की है, ये जो बैक साइड का शोल्डर है, और इसको ऐसे मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये देखिए कैसे है, आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से है ये शोल्डर हो गए यहाँ से, और ये जो सिलाई है यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, ये बराबर का पार्ट हो गया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है जो रुमाल टाइप में होगा, और इसकी पट्टी देखो मैंने कितनी एक्स्ट्रा कटी है। ये तो लाइनिंग वाला है, इसको तो ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा नहीं कटिंग किया, बिल्कुल इसके बराबर कटिंग किया है, क्योंकि पार्ट तो हमें इसके बराबर ही बनाना है। ये जो नीचे का लाइन नेट का हमने पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग किया है, उसको आप कैसे स्टिचिंग करोगे मैं पूरी डिटेल्स आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। और इस जो ये बेल्ट है नीचे वाला, जो हमारा इसमें जॉइंट होगा, देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारा यहाँ पे आएगा जॉइंट होके, और ये हमारी जो साइड है सिलाई की यानी कि मार्जिन की, यहाँ तक की जो मार्जिन होगी, ठीक है, ये इसमें जॉइंट होगा। तो इसमें ये वाला पार्ट अस्तर वाला बराबर कटिंग किया है इसके, और इसको लेंथ में लगभग 10 या 12 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, जो इसकी लेंथ होती है आगे जो डोरी टाइप में हम बांधते हैं, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिएगी। और जो नेट वाला पार्ट है उसमें आप कितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि इसमें प्लेट्स इस प्रकार की आएगी, तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कैसे इसकी हम सिलाई करते हैं। इसको आप एक्स्ट्रा कटिंग करें, जो नेट वाला पार्ट है इसको एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और अब मैं क्या करूंगी कि पहले ये दोनों पार्ट्स है इनको कच्चा कर लेती हूँ, और ये जो बैक साइड है इसको मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, कच्चा और पक्का पूरी सिलाई आपको बताऊंगी। तो पहले फ्रंट पार्ट को और कच्ची स्टिचिंग करती हूँ लाइनिंग के पार्ट के साथ में। ये जो नीचे वाली लाइनिंग का पार्ट है इसके साथ में इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ने अपने प्रिंसेस कट पार्ट जो इनको देखिए कच्चा स्टिचिंग कर लिया है, और अब मैं इनको ऐसे स्टिच करूंगी। देखिए जैसे ये हमारी शोल्डर है और ये साइड जॉइंट होने वाली है, तो इसको मैं ऐसे जॉइंट करूंगी। तो ये पार्ट्स मैं ऊपर रखूंगी और इस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, आप इसको ऐसे प्रिंसेस कट स्टिचिंग को ऐसे इजीली से स्टिच कर सकते हो। इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत सुंदर आती है और इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है। सारे ब्लाउजों की स्टिचिंग इतनी इजी नहीं है जितनी प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो सिलाई है वो इजी है। इसकी कटिंग में थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, बाकी स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इस पार्ट्स को आप डबल स्टिच कर लें। तो ये आपकी दोनों पार्ट्स जो प्रिंसेस कट के, वो आप एक दूसरे की डिफरेंट साइज में ऐसे जॉइंट कर लें। तो ये हमारे देखिए दोनों पार्ट्स मैंने इस पे जॉइंट कर लिए हैं। एक साइड में ये वाला पार्ट्स है प्रिंसेस कट का, और दूसरी साइड में ये वाला पार्ट्स है, और ये 37 साइज के नाप के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ये जो नेक लाइन है इसको मैं एक बार फोल्ड करके स्टिचिंग करूंगी और फिर इसको ऑन साइड में करूंगी। अभी तो इसको मैंने ऑफ साइड में किया है, इसलिए किया है क्योंकि मुझे नेक लाइन स्टिच करना है सिंपल में। तो ये मेरी नेक लाइन आ गई है। अभी तो नेक लाइन पे ऑफ साइड में स्टिच कर लिया ऐसे, और इस पे कट लगा लें आप।
बीच का जो राउंड है तो फोल्ड हो जाता है। जैसे भी आपकी कोई भी ब्लाउज में इस प्रकार का, जैसे राउंड हो, गोल राउंड हो, या उरेप में हो, तिरछा हो, जो भी राउंड हल्का सा हो, तो उस पर आप जैसे कट लगा लोगे तो आपका जो ब्लाउज है वो फोल्ड करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो जहां जहां पे राउंड था जितना सा, लगभग उतना मैंने इसको कट लगा लिया है। और अब हम इसको ऑन साइड में ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ताकि आपको इसमें क्या होता है, नेकलाइन ऐसे बन गई है इजीली से। इसमें आपको नेकलाइन पे पाइपिन वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसको हमने ऐसे सीधा फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी शोल्डर बाजू है, और ये देखिए ये नेकलाइन ऐसे फोल्ड हो गई है। ये बैक साइड है लाइनिंग का पार्ट्स इस तरफ, और ये हमारी नेकलाइन हो गई है। तो ऐसे आप नेकलाइन को बना सकते हो, किसी भी ब्लाउज की नेकलाइन को आप ऐसे बना सकते हो। ऑफ साइड में, रॉन्ग साइड में इसको स्टिच करके और ऑन साइड में ऐसे फोल्ड कर लो, तो ये आपका नेक तैयार हो गया, मतलब आगे का पार्ट्स जो हमारा वो तैयार है। अब हम मैं आपको पीछे के पार्ट्स की प्रक्रिया, उसका जो पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। अब ये देखिए, ये पार्ट नीचे का है बिग साइड का, और ये ऊपर का है, और इनको ये दो पार्ट्स है। एक जैसे ये इस तरफ का हो गया, तो ये पार्ट्स जो है इस तरफ का होगा। इस प्रकार से ये दोनों हमारे पार्ट्स हो गए हैं ऐसे। ये जो नेक हो गया बीच का, ये बीच का नेक है, और ये इस तरफ का पार्ट्स, ये दोनों इनके साथ अटैच कर रहे हैं अभी हम। जितना हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा लिया है, उतनी एक साइड से हम स्टिचिंग कर ले इसकी। नेक साइड होती है जो कि, तो ये मैंने इसको एक साइड में ऐसे स्टिच कर दिया है। और इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले इस पार्ट को भी यहाँ से ऐसे पूरा स्टिच करूंगी। वैसे देखिए डिजाइन बहुत सरल है, और आपको मैं बहुत सारी डिजाइनों में ब्लाउज को कैसे इजी से बनाया जाता है सभी बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हमारी डिजाइन्स चलती रहेगी और आप तक वीडियोस पहुंचते रहेंगे, तो आप उन्हें देखिएगा भी और सीखिएगा भी। और ये देखिए इसको कट लगा, जैसे एक पार्ट्स में मैं कट लगा रही हूँ साइड में, वैसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट्स पे भी ऐसे ही कट लगाने हैं, और फिर इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने इस पे पूरी राउंड में कट लगाए हैं। जब भी आपको इस प्रकार से फोल्ड करना हो किसी भी पार्ट को सीधा स्टिच करके, तो आप कट लगाना ना भूलें। ऐसे हमें भी इसको फोल्ड कर लेना है। अस्तर वाले पार्ट्स को आप नीचे रखिए, आप चाहे तो इस पे ऐसे पाइपिंग की तरह से ऐसे बाहर रख सकते हैं इसको, और चाहे तो आप इसको ऐसे पूरा फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इसको हल्का सा पाइपिंग की तरह से बाहर रखेंगे। और मेरे इस चैनल पे आपको टोटल साइज के ब्लाउजेस मिल सकते हैं। आपको उन्हें साइज लिख करके सर्च करना होगा। जिस भी साइज की आपको कटिंग सीखनी हो, तो आप वो साइज लिखिए ऊपर सर्च बॉक्स में, और वहाँ पे आप संज्योति फैशन डिजाइनर पे सर्च कर सकते हैं। चैनल पे आपको टोटल साइज की फर्मा कटिंग की, कटिंग के अलग से और स्टिचिंग के भी आपको अलग से वीडियोस मिल सकते हैं, तो आप वो देख करके और सीख सकते हैं। जो भी सीखने वाले मेरे भाई बहन हैं, तो वो जरूर इस प्रकार से अपनी जो कोशिश है ट्राई करें, और अपने घर बैठे हैं जो ब्लाउज बनाना सीखे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें दोनों पार्ट्स तैयार कर लेने हैं। जैसे कि ये एक तैयार हुआ है, पाइपिंग बनाने के बाद में आप इसको साइड से ऐसे स्टिच कर लें, ताकि ये दोनों जो कपड़े हैं वो एक दूसरे से स्टिच हो जाए। ये देखिए साइड वाली दोनों पार्ट्स ऊपर वाले तैयार हैं। अब इसको लेती हूँ मैं, इस पार्ट को नेट वाले को हमें इस पे सेट करना है। तो ये देखिए यहाँ से कॉर्नर से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ से कॉर्नर पे इसको रखूंगी। जो बीच का पार्ट्स है इसमें यहाँ मैं चुन्नट लगा करके और यहाँ बीच में स्टिच करूंगी, ठीक है। और ये जो दोनों कॉर्नर है
वहाँ से ऐसे हमें इसको स्टिच करना है। ये देखिए जो लाइन लगी हुई है हल्की है थोड़ी, यहाँ इस कॉर्नर को हमें यहाँ पे लगाना है, बीच में जो स्पेस है उसमें ये जो चुन्नट रख लेनी है, और इसके बाद में ये जो साइड है यहाँ से हमें इसको ऐसे स्टिचिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चुन्नट लगा लें बहुत सारी, और इसको हमें ऐसे छोटा सा कर लेना है। ये हमारी यहाँ पे चुन्नट आ गई है जो कि कॉर्नर होता है। अब मैं इसको लॉन्ग वाले ये जो कॉर्नर का साइड है ऊपर का, इसको ऊपर रखूंगी इस प्रकार से, और इसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा अभी यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे अटैच करेंगे। और अब जो इसका कॉर्नर ये लाइन दे दीजिए, और इसको, और अब आपको इसको सीधा स्टिच करना है। ऐसे मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग दिखा रही हूँ ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो बेल्ट बना रहे हैं जो बैक साइड में हम अटैच करेंगे, जिस पर हमारे ब्लाउज का जो लुक होगा, ब्लाउज का लुक हमेशा बैक साइड के पार्ट पे होता है, तो इस पार्ट पे हमारे ब्लाउज का लुक होगा, इसलिए इसको हमें अच्छे से तैयार करना है। अब आप ये देख लीजिए कि आपका ये जो पार्ट्स कितना बड़ा है, ये यहाँ से थोड़ा बड़ा है, तो इसको मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें एक चुन्नट लगा देनी है, एक लगा दी है। अब फिर देखिए कि इसमें थोड़ा सा बड़ा और है, तो यहाँ पे पास में आने के बाद यहाँ पर भी हमें एक चुन्नट और लगानी है। ये देखना है कि ये जो साइड है वो हमारी बराबर चलनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे चुन्नट लगा देते हैं ताकि जब हम इस तरफ वापस स्टिचिंग करेंगे तो हमारी जो है बराबर रहनी चाहिए, पार्ट्स जो है बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। तो ये मैंने इसको एक साइड से पूरा स्टिच कर लिया है। ये देखिए आपको फिर से दिखा देती हूँ इसको कि मैंने कैसे स्टिच किया है। यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे चुन्नट लगा ली है और इसको ऐसे गोल राउंड में स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से भी इस साइड को भी, ये जो साइड है इसको भी स्टार्ट स्टिचिंग कर रही हूँ। ये जो बेल्ट है ये अहमियत रखता है, इसलिए मैंने इसकी पूरी आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। और चूंकि दोनों साइड के देखिए दो बेल्ट है हमारे दाएं बाएं साइड के, ये दो बेल्ट है जो कि हमारे इसमें अटैच होंगे, ये जो नेक वाले पार्ट है शोल्डर है इनमें, तो दोनों मैंने एक पार्ट को जैसे स्टिचिंग किया है वो देख लिए। बीच में ये बहुत बड़ा क्योंकि इसमें हमने वो चुन्नट लगानी थी तो लूज भी लेना था, इसलिए मैंने ऊपर वाले नेट वाले पार्ट्स को एक्स्ट्रा लिया है, और इस प्लेट जो लॉन्ग पट्टी है इसको हमने बराबर में लिया है। तो ये मैंने देखिए पूरा स्टिचिंग कर लिया है, तीन साइड से मैंने इसको पैक किया है। आपको दिखा दूं, ये तो कमर वाली साइड है जहां से सिलाई होगी, ये ओपन है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ऐसे स्टिच कर लिया, आपके सामने है ये स्टिचिंग, ऐसे यहाँ पे स्टिच ये प्लेट्स लगा करके या चुन्नट लगा करके और स्टिच किया। अब मैं इनको जो राउंड है यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाऊंगी ताकि मेरी ये जो है फोल्ड हो जाए। तो राउंड पे हम हमेशा ही हर चीज पे भी कट लगाते हैं, तो इस पे भी हमारे वैसे ही कट लगेंगे, और इसी प्रकार से मैं इस साइड में भी कट लगाऊंगी। अब जहां आपकी सीधी सिलाई आ रही है वहां आप कट ना भी लगाए तो चलता है। तो यहां तक ये राउंड था। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको हमें ओपन करना है ऐसे, देखिए एक साइड से खुली है ना कमर की साइड से, उसको आप ऐसे यहां तक ले जा करके और इसको बेल्ट को ऐसे ओपन कर लें। ये देखिए ये आपका जो बेल्ट है वो इस हिसाब से इस प्रकार से तैयार हो जाता है, ठीक है। ये तैयार हो गया। अब आपका पार्ट्स रहता है यहाँ से ज्यादा, तो ये
हमें इसको आपको स्टिचिंग करके बता देते हैं कि ये पार्ट्स आप कैसे तैयार करेंगे। तो इस पार्ट्स को यहाँ पे दोनों बराबर आ गए हैं, यहाँ पे हमें इस प्रकार से चुन्नटें अब लगानी है। एक लगा दी है इस प्रकार, जितना भी हमारा स्पेस एक्स्ट्रा है नेट वाले पार्ट का, तो इसको आप फोल्ड करते जाइए, आपकी चुन्नट अपने आप बन जाएंगी। तो ऐसे हमें इसमें ऐसे चुन्नट लगानी है। मैं छोटी लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें दो या तीन ऐसे बड़ी प्लेट्स भी लगा करके और इसको आप सेटिंग कर सकते हो। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है उतना ही हमें रखना है क्योंकि वो हमारा नाप है, और ये जो नेट का मैंने पार्ट लिया है इसको मैंने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि मुझे चुन्नट लगानी थी इसमें। तो ये देखिए इस प्रकार से जो हमारा जो पार्ट था वो ये ऐसे तैयार हो गया है, ऐसे ये तैयार हो गया है, और ये हमारा जैसे ऊपर का पार्ट होगा। अब मैं इसमें यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इससे नीचे वाले पार्ट से, ये जो नीचे वाला पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, इससे जितना भी ये साइडें एक्स्ट्रा है इनको मैं, जो ये मेरी चुन्नट है, ऐसे ऊपर में यहाँ पे स्टिच करके सेटिंग करूंगी। कोई भी आप इस पे डिजाइन अटैच कर सकते हैं और चुन्नट लगा करके अपनी इस साइड वाली पट्टी को इस प्रकार से आप देखिए, देखिए आप अच्छे से, और आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस प्रकार से मैं इसको अटैच करूंगी, ये हो गया है, ये हमारी वन साइड है। साइड वाली पार्ट्स को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हमारा पार्ट्स यहाँ स्टिच हो गया है, और इसी प्रकार दूसरी वाले में भी हम इसको ऐसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस प्रकार आप कमर के पार्ट्स को पूरा ऐसे जांच करके, जो कि ये हमारी मार्जिन का पार्ट है, इसको जांच करके और अपने पार्ट्स को यहाँ पे स्टिच कर लें। तो ये मैंने दोनों जो पार्ट्स है एक साइड के उनको स्टिच कर लिया है ऊपर शोल्डर की साइड में, और अब हम इनको आगे वाले पार्ट्स में स्टिच कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जैसे इसमें स्टिच हो गया है, और अब हम इसको आगे वाले पार्ट्स में स्टिच करेंगे। जो शोल्डर है इनको शोल्डर में यहाँ पे स्टिच करेंगे, जो ये वाले नेक साइड में है यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। ऐसे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, और ये बिना हुक पट्टी का जो है हमारा ब्लाउज, इसके आगे पीछे के पार्ट्स तैयार है। अब हम इसमें जो बाजू है वो जॉइंट कर रहे हैं, तो आपको बाजू कटिंग करके बताएंगे और उसके बाद जॉइंट करेंगे। ये मेरे पास नेट की बाजू है, और इसको मैंने नीचे की साइड में और ये पट्टी जॉइंट की है, तो हमारे ब्लाउज की मैचिंग पट्टी होगी, और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे अटैच किया है, और इसको मैं ऐसे ऑन साइड में ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ये देखिए ऐसे। तो ये जो हमारे बेक पार्ट है उससे हमारी जो मैचिंग बन जाएगी बाजू की, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बाजू पे पाइपिंग अटैच कर ली है, और अब मैं इसको ब्लाउज पे अटैच करूंगी। ये मैंने सिर्फ नेट की बाजू बनाई है और इस पे ये लेस अटैच कर ली है। अब जैसे ये बाजू का बेक साइड है और ये जो फ्रंट साइड है,
तो देखिए हमारी बाजू का सेंटर बना लेते हैं। तो ये हमारी बाजू है और ये हमारी बाजू का बीच का सेंटर है। आपकी बाजू में अगर सेंटर नहीं बनाओ तो आप बीच में सेंटर बना लीजिए और शोल्डर जहाँ स्टार्ट होते, देखिए ये हमारे शोल्डर है, यहाँ पे शोल्डर के बीच से हम बाजू को स्टिच करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे शोल्डर आपको जॉइंटेड दिखाई दे रहे होंगे, तो ये यहाँ से मैं इनको स्टिच करूंगी बाजू को। इस प्रकार से हम ये बैक साइड है, बैक साइड में ऐसे स्टिच हो जाएगी। ये जो बैक साइड की पट्टी आप इस पे लेस भी लगा सकते हो। मैंने इस पट्टी को देखिए ये जो कलर्ड है इस पे आप लेस भी अटैच कर सकते हो, कोई भी कलर की आपकी मनपसंद की। मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि ये प्लेन भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है पहना हुआ। तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, पहनने में इजी होगा ये और इसमें आपको हुक पट्टी की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे जो बेल्ट होगा उसको आप बेल्ट रुमाल की तरह बांध भी सकते हो और उसको नीचे फोल्डेड रहेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक सुंदर और अच्छा यूनिक ब्लाउज होगा जो कि आप अपनी हेवी साड़ियों पे तैयार कर सकते हो। तो ये आगे के पार्ट की बाजू जॉइंट कर ली है। जैसे मैंने एक साइड में देखिए बाजू जॉइंट की है, वैसे ही मैं दूसरी पार्ट में भी जॉइंट करूंगी और बाजू पे मैं बिल्कुल डबल स्टिच करती हूँ। जैसे सिंगल हो चुकी है तो मैं इस पे डबल स्टिच करूंगी, वो बीच सेंटर तक हमारी डबल स्टिचिंग पूरी हो जाएंगी। तो ये एक साइड की बाजू मैंने इस पे अटैच कर ली है और अब मैं आपको इसकी मार्जिन की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये हमारी बाजू देखिए स्टिच हो गई है। यहाँ पे बाजू लगाने के बाद में आप आगे के पार्ट के नीचे की मोड़ाई कर लें और ये हमारे नीचे के पार्ट्स की मोड़ाई हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे जो साइड के हमारे पार्ट्स है। जैसे ये देखिए ये हमारा साइड का पार्ट्स है और इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे। आप इसकी पेकिंग स्टिचिंग करना चाहते हैं तो पहले ऐसे एक सिलाई ऐसे कर लें और ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए मैं ऐसे सीधी सीधी ओपन सिलाई कर रही हूँ इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखता है इसको आप पहले कट करके बराबर कर लिया अपने ब्लाउज की। तो ये मैंने यहाँ से भी इसको फिनिश कर लिया है और यहाँ पे भी हल्का सा ज्यादा है बाजू, तो इसको भी बराबर कर लिया है। तो ये पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए जब हम मार्जिन की सिलाई स्टिचिंग करें। आगे के पार्ट्स पे मैंने इसको मोड़ाई कर ली है और अब हमें इसको सीधी स्टिचिंग करनी है। तो मैं इसकी सिलाई बता देती हूँ। मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग इस पे मार्किंग कर लिया है। आप भी अपनी नाप के अकॉर्डिंग पहले साइड की पूरी फिटिंग की मार्किंग कर लें। फिटिंग की मार्किंग लगाने के बाद आपको सीधी एक स्टिचिंग करनी है पहले फिटिंग की, ठीक है। ये हमारी फिटिंग की स्टिचिंग होगी, ये यहाँ पे आपके पार्ट्स बिल्कुल ध्यान रहे आपको कि बिल्कुल बराबर होने चाहिए हमारे यहाँ से पार्ट्स। तो ये हमारे पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं और ओके हैं यहाँ तक। तो मैंने एक साइड में अपनी स्टिचिंग कर ली है फिटिंग की और इसके बाद में अब जो आपके पास एक्स्ट्रा है, देखिए साइड है ये, इसमें आप तीन या चार सिलाई कर सकते हो जो कि आपको कभी भी खोल करके काम में आ सकती है। ये देखिए ये हमारी साइड है और इसकी स्टिचिंग हो गई है एक साइड की और वैसे ही दूसरे पार्ट्स पे भी आप मार्किंग कर लें, अपना पार्ट को बराबर रख लें और आपको मार्जिन फिटिंग की एक सिलाई करनी है। पहले फिटिंग की सिलाई लगा ले, उसके बाद जो भी आपको मार्जिन की जितनी भी सिलाइयां करनी हो, ये देखिए नीचे वाला पार्ट्स है और इस पे हम ऐसे अपनी जो पार्ट्स को बराबर स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पार्ट्स जो हैं ऐसे देखिए बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो ये हमारी ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई हो गई है। एक सिलाई लगाने के बाद आप इस पे
दो तीन चार सिलाई लगा सकते हैं, जो कि आपकी जैसे मार्जिन की सिलाई होती है। जैसे कि ये देखिए मैंने लगाई है, ये देखिए यहाँ से पूरी इस प्रकार से कि हमारा ब्लाउज तैयार है। ये देखिए ये हमारे ब्लाउज का आगे का पार्ट्स है, प्रिंसेस कट पार्ट, और ये है इसकी बेक साइड। तो इस प्रकार से बाजू सहित है और ये बेक पार्ट है, जिसमें आपको कहीं हुक की या फिर गड़ाई की जरूरत नहीं होगी। इसको आप इस प्रकार से, इस प्लेट्स को हम यहाँ पे चिट बटन भी लगा सकते हैं। देखिए इसको ऐसे आप यहाँ पे करके यहाँ पे इसके चिट बटन लगा लीजिए, और इस तरफ वाले बेल्ट को आप इस प्रकार से करके यहाँ पे आप चिट बटन लगा सकते हैं सेंटर में आप इसको, और यहाँ पे आपके ये बटन ये स्टिच हो गया ऐसे, ठीक है। ये आपके बटन स्टिच हो चुके हैं, और इस प्रकार से आप पैटर्न भी कोई भी लगा सकते हैं अपने ब्लाउज पे। तो ये इस प्रकार का आपका ब्लाउज का लुक देगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये लुक पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसके डोरी भी लगाने वाली हूँ, ये जो दोनों साइड है यहाँ पे आप भी अपने ब्लाउज पे डोरी लगाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में एक नई और डिजाइन के साथ फिर मिलेंगे। ये ब्लाउज पहनने में बहुत आसान है, पीछे आप इसको बांध भी सकते हो, यहाँ पे आप वो चिट बटन आते हैं वो भी लगा सकते हो, या आप इसको ऐसे कवर्ड करके आप इस पट्टी को यहाँ पे कवर्ड कर लीजिए ये से, और चिट बटन लगा करके ऐसे आप दोनों यहाँ पे आपके बटन जो चिट बटन होता है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो है ये देखिए ये फर्री आपके ऐसे नीचे लटकती रहेंगी। तो ये ब्लाउज इस प्रकार से आपको बहुत सुंदर लगेगा, और पार्टी वेयर ड्रेसों पे आप इसको पहन सकते हो। तो ये हमारा ब्लाउज अब तैयार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।